हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब बेसिक ऑपरेशन कौन से होते हैं तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिक ऑपरेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर पे, हम एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एडिशन की, उसके बाद हम फर्दर आगे बात करेंगे बाकी ऑपरेशंस की। तो सबसे पहले एडिशन में लेट सपोज हमारे पास एक रियल नंबर है Z1, ठीक है, जिसको मैं कह देता हूँ वो है हमारे पास ए प्लस बी आयोटा। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। और लेट से मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक और है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको मैंने Z2 से डिनोट कर दिया और उसको कह दिया ये है सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम कह लेते हैं कि ये जो ए बी सी और डी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इन पे एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करना है कि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेंगे, हमने इस बारे में बात करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे Z1 प्लस Z2, हम इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब इधर हम लिख लेते हैं ए प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, ये हमारे पास आ गए। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है तो किस तरह से कंडीशन बनती है कि जो ये आयोटा के बगैर वेरिएबल होगा और दूसरी वाली साइड पे जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें जो आयोटा के बगैर वेरिएबल होगा वो आपस में ऐड हो जाएंगे, लाइक ए प्लस सी। और उसके बाद क्या होगा, जो दूसरी ब्रैकेट में क्या होगा कि जो आयोटा के साथ वाली टर्म्स होंगी वो ऐड हो जाएंगी, लाइक बी प्लस डी, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ पर बाहर आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक ये इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपके लिए चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, जिसको हम लिख लेते हैं ऐसे। लेट से Z1 है हमारे पास 3 माइनस 8 आयोटा एंड Z2 हमारे पास गिवन है 5 प्लस 2 आयोटा। एग्जाम्पल से समझाने का मकसद यही होता है कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए, क्योंकि इस तरह की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह से समझाने का मकसद ये होता है कि आपके जहन में विद एग्जाम्पल जब कोई भी चीज़ की जाती है तो उससे अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाती है। अब लेट से हम सिंपल यही एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, Z1 प्लस Z2 करते हैं हम जब, तो क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास होना चाहिए ए प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास सी है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 3 प्लस 5 कर देंगे एंड प्लस, और ये हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। जो आयोटा वाली टर्म्स थी उनको हम अब ऐड कर देंगे, तो ये है -8 और ये हमारे पास +2 और साथ हमारे पास आयोटा आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा एंड प्लस -8 प्लस 2 क्या हमारे पास हो गया, -6 हो गया और ये साथ आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो इसका हमारे पास आंसर आएगा, Z1 प्लस Z2 हमने किया था, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 6 आयोटा। तो इस तरह सिंपली आपने बेसिक इन पे ऑपरेशन, तभी इनका नाम है बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है। आपने बस इनका स्टैंडर्ड फॉर्म का ख्याल करना है कि जो रियल एंट्रीज हैं विदाउट आयोटा उनको उनके साथ ऐड करना है और जो आयोटा वाली हैं उनको आयोटा वाली टर्म्स के साथ ऐड करना है। इन नंबर पे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आ जाएगी जो बेसिक ऑपरेशंस में है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। अब लेट से हमारे पास अगेन हम कह लेते हैं कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, सिमिलरली ए प्लस बी आयोटा है, उसके बाद Z2 हमारे पास है
सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सिमिलरली ए बी सी और डी ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, कि हमने रियल वैल्यूज को रियल नंबर वैल्यूज ली हैं हमने, ठीक है इनकी। अब हमने क्या करना है, इस पे हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, टू प्रॉपर्टीज आ जाती हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब जब हम नंबर वन की बात करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी लेट से स्केलर वैल्यू है, ठीक है, जो कोई भी स्केलर वैल्यू, लेट सपोज के कोई भी वैल्यू है जो बिलोंग करती है रियल नंबर से, लेट से हमने ले लिया 2 ले लिया, -5 ले लिया, 8 ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया जो रियल नंबर हो, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब मैं उस आपको उसकी फॉर्म दिखाता हूँ। लेट से कि हमें कहा गया के इंटू जी वन करो, विच मीन्स कि आप कोई भी स्केलर आपने वैल्यू ली जो रियल नंबर हो उसको मल्टीप्लाई कर दो ए प्लस बी आयोटा के साथ, ठीक है। लेट से आपको कह दिया कि के इक्वल है 3 के, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि 3 को मल्टीप्लाई कर देना है इस ए प्लस बी आयोटा के साथ। यहाँ पर तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है ना, वहाँ पर आपको कोई वैल्यू दी जा सकती है, लेट सपोज ए की जगह 8 हो, बी की जगह 2 हो, तो आपने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, यानी कि ये जिस तरह आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है 3 ए प्लस 3 बी आयोटा आ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन आएगी। अब उसके बाद जब हम सेकंड की बात करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसमें अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है, Z1 और Z2। अब यहाँ पर Z1 और Z2 की जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो सिंपली ए प्लस बी आयोटा और सी प्लस डी आयोटा, ठीक है, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन जिस तरह हम बेसिक मल्टीप्लिकेशन होती है आप वो किस तरह से होगी कि अब ए है वो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ए हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा ए इंटू डी आयोटा, फिर उसके बाद बी आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह हम लिख लेंगे, फिर उसके बाद बी डी और ये अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वेयर आ गया। सिंपल जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन उसी तरह सेम हमने किया। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए सी ठीक है प्लस बी डी अयोटा स्क्वेयर। अब यहाँ पर मैंने अयोटा स्क्वेयर क्यों लिखा, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ए डी अयोटा प्लस बी सी अयोटा। अब जो हमारे पास आयोटा स्क्वेयर होता है वो होता है -1 के इक्वल, ये पहले हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था। अगर आपने ये चीज़ नहीं अभी तक देखी तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें हमने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ए सी प्लस बी डी -1, फिर आ जाएगा ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा। अब ये यहाँ पर मज़ीद सिंप्लीफाई हो गया कि ये किस तरह से आ गया, ए सी माइनस बी डी आ गया, ठीक है, इसको हमने इस टर्म को अलहदा लिख लिया, प्लस ए डी प्लस बी एंड सी और बार आयोटा आ गया। अब ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हमें आप इसकी एक एग्जांपल करते हैं फटाफट से ताकि इसमें इम्प्लीमेंट कर दें आप, तो किस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें फ़ायदा देगी। आप स्टैंडर्ड फॉर्म को जहन में ना रखे हुए भी सिंपली अगर आपको दे दिया जाती है यहाँ पर वैल्यूज़ दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और उनको आपस में सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आंसर आएगा। लेकिन आप अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, आप स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपके जहन में है तो डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो आपको मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपके जहन में है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं फटाफट से। अब लेट से आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम लिख लेते हैं कि Z1 इक्वल है 2 -3 आयोटा के एंड Z2 इक्वल है 4 + 5
5 है उठा के। अब अगर आपके जहन में स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर जहन में आपने इसको याद किया हुआ है तो डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है, एक दो स्टेप्स में। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी जहन में तो कोई मसला नहीं, आपको सिंपल अगर बेसिक मल्टीप्लिकेशन का ये ऑपरेशन आता है कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो आप इजीली ये ही आपके पास आंसर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपके जहन में, तो किस तरह से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अब लेट से ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करें, ए और सी को लिख दें, ठीक है। ए और सी क्या है, 2 × 4 - अब बी और डी के आपने जो वैल्यूज हैं उनको लिखना है, आयोटा को साथ नहीं लिखना, आपने सिर्फ वैल्यूज को लिखना है उसके साथ जो एंट्रीज हैं। अब बी यहाँ पर क्या है, -3 है, ठीक है। और उसके बाद आपके पास डी क्या है, 5 है, ठीक है। अब उसके बाद ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी, उसके बाद प्लस आप ए डी आपके पास क्या है, ए आपके पास 2 है, डी आपके पास क्या है, 5 है। फिर उसके बाद प्लस बी आपके पास क्या है, -3 और सी आपके पास क्या है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पर आयोटा आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि 2 × 4 क्या आ गया, 8 आ गया। अब ये -3 × 5 ये हमारे पास क्या बन गया, -15, ठीक है। प्लस 2 × 5 क्या हो गया, 10 हो गया। प्लस 3 × 4 और ये माइनस है तो -12 और यहाँ पर बाहर आयोटा आ गया। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 15 में 8 ऐड किए तो ये 23 हो जाएंगे, 23 प्लस आप ये 10 में से 12 गए, -2 और ये बाहर आयोटा, तो विच मीन्स 23 - 2 आयोटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह अगर आपके जहन में स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई कर दें, ठीक है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आपको ये क्वेश्चन जब गिवन है तो इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन जस्ट करें। अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करते तो यही आपके पास बनना था कि ए को पहले 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 को फिर 5 आयोटा से, फिर -3 आयोटा को 4 से, फिर -3 आयोटा को 5 आयोटा से, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास यही आंसर बनेगा। अब नंबर थर्ड पे आपके पास आ जाती है सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी। आप सब्ट्रैक्शन पे किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स इम्प्लीमेंट होते हैं, कि यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमें गिवन हो, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से हमें गिवन है तो उस पर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई होती है, किस तरह से ये बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। कि सिमिलरली हमें गिवन है z1 a+ b iota और z2 सिमिलरली c+ d iota। अब हमें कहा जाता है कि ये 2 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। आपको कोई वैल्यू डेफिनेटली गिवन होंगी तो आपको कहा जाता है इनकी सब्ट्रैक्शन करें, इन पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करें। सिंपली z1 - z2 तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a+ b iota -c+ d iota। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सबसे पहले इस माइनस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब अंदर ताकि आसानी हो जाए, a+ b iota, यहाँ पे प्लस हम लिख लेंगे, -c और -d iota, क्योंकि ये माइनस अंदर चला गया तो यहाँ पे प्लस रह गया क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या होगा कि सिंपली हमने वही जिस तरह एडिशन में हमने किया था कि जो रियल एंट्री थी उसको रियल एंट्री में ऐड किया था और आयोटा वाली जो इमेजिनरी एंट्री थी उसको इमेजिनरी एंट्री में ऐड किया था, तो यहाँ पर भी हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, a- c, ठीक है। ए को सी से सब्ट्रैक्ट किया प्लस बी को डी से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, b- d करेंगे और बाहर आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सिंपली ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई कि जब आपने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई।
अब इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास Z1 है -2 +3 होता, एंड Z2 आपके पास गिवन है 2 + i होता। अब इस पे हम बेसिक ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का अप्लाई करते हैं कि Z1 -Z2 करना है हमने। अब अगर आप सिमिलरली स्टैंडर्ड फॉर्म को अप्लाई करना चाहें वो भी तो वो ए कर लें, कंसीडर ये आपके पास लेट से ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है और ये आपके पास डी है। ठीक है, आप इनको इस तरह पे भी कंसीडर करके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप इस पे स्टैंडर्ड ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो और वैसे भी आप कर सकते हो। तो जस्ट सिंपली हम वैसे ही कर लेते हैं, -2 + 3 आयोटा -2 + i। अब ये क्या होगा हमारे पास कि इसके साइन अगर हम चेंज कर लें -2 + 3 आयोटा, इससे क्या होता है साइन चेंज पहले कर लेने से कि कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, आपको ये जेन में रहता है कि इसके साथ साइन कौन सा है। ठीक है, अब जब हमने साइन चेंज कर लिया, अब सिंपल हम क्या करेंगे कि जो रियल एंट्रीज है उनको आपस में माइनस कर देंगे, -2 - 2। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इमेजरी एंट्रीज हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सिंपली 3 और -1 और ये बाहर आयोटा आ गया। अब सिंपली -2 और -2 क्या हो गया हमारे पास -4 आ गया, +3 - 2 2 और ये बाहर आयोटा, विच मीन्स जो हमारे पास आंसर आया वो -4 + 2 आयोटा आ गया। तो इस तरह आप बेसिकली आप स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करें या फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। अब लेट से हम स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन ना आए कि पिछला क्वेश्चन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से किया, ये हमने डायरेक्ट किया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से भी अप्लाई करने से सेम ही आंसर आएगा। अब ये ए है हमारे पास और ये सी है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या हमारे पास सेम आता है। अब ए हमारे पास -2 है और सी हमारे पास क्या है 2, लेकिन हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस यहाँ पे लगा लेना है -2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमने, बी बी हमारे पास 3 और उसके बाद हमारे पास डी क्या है 1 है, आयोटा के साथ जो कुछ नहीं है तो 1 होगा हमारे पास, लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 -1 और यहाँ पे आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया -4 + 3 - 2 2 आयोटा, विच मीन्स -4 + 2 आयोटा। और ये देखें ये दोनों आंसर हमारे सेम है। तो इसलिए आप डायरेक्ट करें या फिर आप स्टैंडर्ड फॉर्म जहन में हो तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है, 2 स्टेप्स में ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जहन में नहीं है तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ, हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशन है वो है हमारे पास डिवीजन, कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएँ तो उन पर डिवीजन किस तरह से अप्लाई होती है। तो लेट से हमारे पास सिमिलरली हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं a + b i की फॉर्म में, और दूसरा हम ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर c + d i की फॉर्म में। सेम फॉर्म लेने का मकसद भी ये है, एक तो ये है कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट अच्छी तरह बन जाए और सिमिलर चीज़ों से कंपैरिजन करना या समझना आसान होता है, तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीज सिमिलर एग्जांपल्स इन फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे कि इन पे हम डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सिमिलरली क्या कि ए बी सी और डी हमारे पास जो हैं वो रियल नंबर्स हमने कोई भी लिए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जब आपके क्वेश्चन आएंगे वो रियल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये मेंशन लाजमी कर देता हूँ। अब उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, इन पर डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करना है। लेट से 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं आपके पास और उन पर आपको डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए कहा गया। अब ए प्लस बी आयोटा
डिवाइडेड बाय सी प्लस डी आयोटा। अब जब भी डिवीजन आपने करनी है तो वहाँ पर आपको जो ये नॉमिनेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसके आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। वो क्या, अब लेट्स से आपके पास सी प्लस डी आयोटा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है आपके पास, कि जो आपके पास आयोटा वाली इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसका आप साइन चेंज कर देते हो, ठीक है। तो ये सी माइनस डी आयोटा, हमने क्या किया, इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर दिया, उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना होता है आपने। तो इस तरह से जब भी डिवीजन आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता है, जो डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ऊपर हमने मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी तो हम उसको अप्लाई कर लेंगे सिंपली। ए हमारे पास सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसके बाद ए मल्टीप्लाई होगा हमारे पास डी से, ए डी आयोटा प्लस बी, अब मल्टीप्लाई होगा सी से, बी सी एंड आयोटा, फिर उसके बाद बी मल्टीप्लाई होगा डी से, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ गया, और बी डी आयोटा स्क्वेयर आ गया क्योंकि दोनों में आयोटा था इसलिए स्क्वेयर आ गया। ऊपर वाली टर्म मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है, आयोटा स्क्वेयर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है, ये हम काफ़ी दफा पढ़ चुके हैं। अब नीचे वाली टर्म में क्या होगा, सिमिलरली सी सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी स्क्वेयर बन गया, फिर सी मल्टीप्लाई होगा ये इमेजिनरी पार्ट से माइनस सी डी आयोटा, फिर उसके बाद ये डी आयोटा मल्टीप्लाई होगा सी से तो सी डी आयोटा, फिर उसके बाद ये डी आयोटा मल्टीप्लाई होगा डी आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस डी स्क्वेयर एंड आयोटा स्क्वेयर। अब उसके बाद ये देखें, ये सी डी आयोटा माइनस में है और ये प्लस में है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, ऊपर क्या रह गया हमारे पास ए सी, अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वेयर है उसकी जगह -1 पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाए, बी सी आयोटा माइनस, और ये -1 यहाँ पर चले मैं लिख ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर और आयोटा की जगह माइनस, आयोटा स्क्वेयर की जगह -1। अब उसके बाद हमारे पास पीछे रह क्या गया, अब जो चीज़ें रह गई हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए सी, अब ये -1 और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो हम इसको यहाँ पर चले पहले मैं लिख लेता हूँ फिर उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। अब ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गए तो ये बी डी बन गया प्लस का। अब उसके बाद डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर माइनस और माइनस प्लस हो गए प्लस डी स्क्वेयर। अब उसके बाद जो आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज हैं टर्म्स हैं उनको एक साइड पे लिख लेंगे, ठीक है, लेट्स से ए सी प्लस बी डी, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए कन्फ्यूजन ना हो तो ये मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, माइनस ए डी प्लस बी सी और बाहर आयोटा कॉमन आ गया, फिर उसके बाद नीचे सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, ठीक है, ये आपके पास आप स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जब भी आपके पास दो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन होगी तो आपके पास इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो पहले भी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या फ़ायदा होता है, अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो सिंपली आप वैल्यूज जस्ट पुट करके 2-3 स्टेप में आंसर निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको जी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं याद तो सिंपल इसी तरह आप प्रोसेस को फॉलो करके, इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। चीज़ ये हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म फाइनल फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन आप इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इनको स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप स्प्लिट कर लें, ये ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, फिर प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए डी
प्लस बी सी आयोटा डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, क्योंकि ये दो अलहदा टर्म्स हैं और इनसे एक कॉमन टर्म डिवाइड हो रही है, तो आप इन दोनों को स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर मज़ीद इससे भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहें तो रियल पार्ट अलहदा हो गया और इमेजनरी पार्ट अलहदा हो गया, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ये बेसिक ऑपरेशन इन क्वेश्चंस पर इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लेट से हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल वन हम इसे कह लेते हैं। उसमें हमें कहा जाता है कि रियल और इमेजनरी जो पार्ट हैं उनको सेपरेट करो इस क्वेश्चन में से, माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस टू का स्क्वायर। अब ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और वो उन्होंने कहा है कि इसको सेपरेट करो रियल और इमेजिनरी पार्ट को इस क्वेश्चन में से। अब इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, लेट से हम कह लेते हैं कि लेट हम कह लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है, उसकी ये फॉर्म होती है ए प्लस बी आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो हम कहते हैं कि लेट से कि ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, ठीक है, लेट से, और हम क्या कर लेते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस टू। लेट से हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने लेट कर लिया, ठीक है, ये लेट हमने किया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है स्क्वायर के बगैर वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम z का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका भी स्क्वायर बन जाएगा डेफिनेटली। अब ये हमारे पास ये राइट हैंड साइड क्वेश्चन गिवन थी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी यानी कि ये किसी इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम इसको अब इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं कि माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस टू और इसको माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस टू, इस तरह से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये स्क्वेयर है, यानी कि ये चीज़ टू टाइम्स है, तो हमने टू टाइम्स लिख ली। अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारे पास यानी ये कंप्लीट स्क्वेयर बनता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमने क्या किया कि इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या, हमें एक चीज़ और पता है कि आयोटा हमारे पास इक्वल होता है स्क्वेयर रूट माइनस वन के इक्वल, ठीक है। तो ये स्क्वेयर रूट के अंदर जो माइनस है हम उसको क्या करेंगे, आयोटा की फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट बनाने हैं। जब तक हमारे पास आयोटा नहीं आएगा तो इमेजिनरी पार्ट बन ही नहीं सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे माइनस वन प्लस, अब ये जो अंडर रूट के अंदर माइनस है इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हम आयोटा बाय लिख लेंगे, आयोटा होता है स्क्वेयर रूट माइनस वन। तो ये जो हमारे पास अंदर है ना माइनस, इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया कि हमने आयोटा बाय लिख लिया और अंदर रह गया स्क्वेयर रूट टू, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर माइनस वन प्लस आयोटा स्क्वेयर रूट माइनस टू, ठीक है। अब सिंपली इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें, माइनस वन और माइनस वन वन आ गया। अब माइनस वन इंटू ये सेकेंड टर्म, तो हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वेयर रूट माइनस टू आ गया। फिर उसके बाद प्लस और ये माइनस, माइनस आयोटा स्क्वेयर रूट टू, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा स्क्वेयर इंटू ये जो अंडर टू है इसका भी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, इसका भी स्क्वेयर आ गया। तो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद पीछे हमारे पास बचा वन और ये माइनस माइनस, ये माइनस टू हो गए, माइनस टू आयोटा स्क्वेयर रूट माइनस टू, ठीक है। और ये आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है हमारे पास, आयोटा स्क्वेयर इक्वल होता है माइनस वन के इक्वल, तो ये माइनस टू हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास माइनस टू यहाँ पर आ गया,
अब उसके बाद माइनस टू जब हमारे पास आ गया, ये वन है ये माइनस टू है, तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वन माइनस टू माइनस टू आयोटा अंडर रूट माइनस टू। अब उसके बाद क्या पीछे रह गया, माइनस वन माइनस टू आयोटा स्क्वेयर रूट माइनस टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रियल जो हमारे पास आ गया, रियल ऑफ जी वो हमारे पास आ गया माइनस वन, और जो इमेजिनरी आ गया, इमेजिनरी ऑफ जी वो हमारे पास आ गया माइनस टू अंडर रूट टू। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इमेजिनरी आ गया। ठीक है, और इनफैक्ट हमने जी स्क्वेयर के इक्वल ये चीज़ ली थी, तो हम इसको लिख देंगे जी स्क्वेयर, इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग यहाँ पर मे बी शायद कुछ लोगों ने नोटिस किया और शायद कुछ लोगों ने ना नोटिस किया हो, अब यहाँ पर ये स्टेप के बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने इनको स्प्लिट करके क्यों किया। ठीक है, अब स्प्लिट करके क्वेश्चन को करने के कुछ फायदे भी होते हैं, जो आगे आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा, लेकिन आप इसको स्क्वेयर से भी, आप कंप्लीट स्क्वेयर बन रहा है तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, लेट्स से ए प्लस बी का स्क्वेयर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो अब हम इसको इस फॉर्मूले से भी अगर सॉल्व करना चाहें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स से कि अब ये हमारे पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू का स्क्वेयर प्लस टू ए बी, ए बी क्या है माइनस, ए क्या है माइनस वन, और बी क्या है हमारे पास अंडर रूट माइनस टू। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गया, वन बन गया। अब ये स्क्वेयर स्क्वेयर से कट गया तो ये माइनस टू आ गया, तो ये हमारे पास माइनस टू अंडर रूट माइनस टू आ गया। ठीक है, अब इस तरह ये माइनस को खत्म करने के लिए हम आयोटा इक्वल होता है स्क्वेयर रूट माइनस वन के, तो ये माइनस वन, फिर उसके बाद माइनस टू, और ये माइनस बाहर आके एओटा बन गया, तो स्क्वेयर रूट टू। अब यहाँ पर भी रियल ऑफ इमेजिनरी जो हमारे पास, यानी रियल पार्ट जो आया, ठीक है, वो हमारे पास माइनस वन आया, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस टू अंडर रूट टू। ठीक है, तो यानी आप इन दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ तो अगर कंप्लीट स्क्वेयर बन रहा है, ठीक है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ आप इसको स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हो, इट्स अप टू यू, मैंने दोनों मेथड आपको करवा दिए। लेकिन एग्जाम्पल हमारे पास ये है, ठीक है, जो हमने बेसिक ऑपरेशंस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने डिवीजन का ऑपरेशन पढ़ा था, अभी यहाँ पर वहाँ वो ऑपरेशन लगेगा। ठीक है, तो वो ऑपरेशंस पढ़ने का मकसद ये था कि पहले आपकी बेस बन जाए, ताकि आपके पास जैसा जितने भी क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, उन बेसिक ऑपरेशन से सॉल्व होंगे। और ये बहुत डाइवर्स फील्ड है, ये बहुत आगे तक यूज़ होते हैं, बहुत आप बैचलर्स अगर पढ़ करते हैं आप, ठीक है, मैथमेटिक्स से जितने कोर्सेज में जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो अब ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है कि नोमिनेटर में वन है और डिनोमिनेटर में वन प्लस टू आयोटा है, और इसको कहा गया कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करो, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास, होती है ए प्लस बी आयोटा। अब उसके बाद हम कह लेते हैं, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अगर उस चीज़ को रिकॉल करें कि जब ये डिवीजन होती है, ठीक है, तो आपको इस तरह की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना पड़ता। तो इसका जो डिनोमिनेटर में ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से होगा कि हम जो आयोटा वाली इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज कर देंगे सिंपली। तो ये हमने साइन चेंज कर दिया उसका। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आप यहाँ पर देखें डिवीजन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो के साथ अब मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो ये देखें वन इंटू वन, ठीक है, वन आ गया, आगे वन इंटू माइनस टू आयोटा, तो वो माइनस टू आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद वन इंटू वन, वन आ गया हमारे पास, फिर वन इंटू माइनस टू आयोटा, माइनस टू आयोटा आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो टू आयोटा पॉजिटिव का आ गया,
फिर 2iota into -2iota, तो -4iota square। अब ये +2 और -2iota आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद आयोटा स्क्वेयर हमारे पास होता है -1। तो ये देखें ये चीज़ें कितनी दफ़ा रिपीट होती हैं, आयोटा स्क्वेयर और आयोटा की जो वैल्यू होती है ये आप याद कर लें तो बहुत अच्छा है। 1 -2iota, फिर उसके बाद 1 -4iota square की जगह हम -1 लिख देंगे, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 -2iota डिवाइडेड बाय 1 -+4। अब उसके बाद क्या होगा, 1 -2iota और डिवाइडेड बाय 5। अब उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। हम इसको, ये हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन अब मज़ीद इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/5 ठीक है, -2/5iota। अब ये आपके पास प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, a+b iota की फॉर्म में, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म a+b iota है तो यहाँ पे प्लस ही आए, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है a-b iota की फॉर्म में। तो ये आपके पास रियल पार्ट है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये हम एग्जाम्पल करेंगे तो इसमें सब सिंपल वही चीज़ें अप्लाई होंगी, 3 -4iota इंटू x+y iota और राइट हैंड साइड पे 1+0iota। अब ये 1+0iota देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 1+0iota लिखा हुआ है, तो ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ हो तो वो ज़ीरो ही होती है, तो ये जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका क्या फ़ायदा है ये भी आप आगे जाके आपको पता चलेगा। अभी तो जस्ट हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3x and 3y iota -4iota और 4x iota, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4y iota square, राइट हैंड साइड पे 1+0iota। अब यहाँ पे आपको पता है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वेयर है वो -1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर -1 रिप्लेस कर लेंगे, 3x+3y iota -4x iota और -4y और -1, और राइट हैंड साइड पे वही 1+0iota। अब हम क्या करेंगे, जो ये आयोटा वाली टर्म्स है वो अलहदा कर लेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है और जो रियल पार्ट है उसकी अलहदा कर लेंगे, तो जस्ट सिंपली हम क्या करेंगे, 3x- और ये माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा, +4y और इधर +3y -4x, और साथ बाहर आयोटा आ जाएगा, तो 1+0iota। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा ये था यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जब यहाँ पर कुछ है नहीं तो ज़ीरो के साथ आयोटा लिखने का क्या मकसद है यहाँ पर 1 नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि हम कंपेरिजन कर सकें, ठीक है, इक्वेट कर सकें। अब इक्वेट करने का फ़ायदा क्या होता है, हम एक्स वाई की वैल्यू इक्वेट करके निकाल लेंगे। अब लेट सपोज हम अब ये रियल एंट्री को रियल एंट्री के इक्वल इक्वेट करेंगे, 3x+4y = 1, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करेंगे, 3y -4x = 0। अब ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इनका मकसद ये होता है कि आप इक्वेट कर सकें, ये आपके पास लेट से आप इसे इक्वेशन 1 कह दें और इसे कह दें इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। तो अब ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, अब यहाँ से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। अब लेट से कि आपके पास ये इक्वेशन 2 को हम ले लेते हैं, इक्वेशन 2 जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है कि 3y -4x = 0। अब यहाँ से हम लेट से हम x की वैल्यू ले लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3y, क्योंकि हमें x और y दोनों अननोन है, अगर एक हमें एक की वैल्यू पता होती तो हम पुट करके जस्ट सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमें दोनों अननोन है, इस वजह से हमें दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई इमेजिनरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, के हाइपोथेटिकल वैल्यू जो हम यहाँ पर निकालेंगे, के 3y = ये राइट हैंड साइड पे क्या 4x,
और ये y इक्वल हो गया 4x डिवाइडेड बाय 3। अब ये हमारे पास y की एक हमने हाइपोथेटिकल वैल्यू निकाल ली है, एक के हमने कोई भी वैल्यू निकाल ली है इस इक्वेशन से। अभी हम इसको यूज़ करके ओरिजिनल वैल्यूज निकाल लेंगे, लेट्स से इसको हम 3 कह देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें हमने y की वैल्यू पुट की जो हम करनी है, जो हमने निकाली है। अब 3x प्लस 4 इंटू 4x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये 3 को हमने ख़त्म करने के लिए क्या करना है कि मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स, कि हमने इक्वेशन की दोनों साइडों को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा इस 3 से, तो +4। अब कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि यहाँ पर समझ लें, मैं कर ही देता हूँ 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4x डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर भी 3 आ गया। अब ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को ख़त्म करने के लिए हमने मल्टीप्लीकेशन की थी 3 की। अब 9x प्लस 4 इंटू 4x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया कि ये 9x है +16x बन गया 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3। अब ये 16 प्लस 9 कितना बन गया, 25x बन गया इज इक्वल टू 3। और यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3/25, ठीक है, 3/25 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। अब ये जो हमारे पास एक्स की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट एक्स इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में जब हमने पुट किया तो क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पर करने का मकसद ये था कि ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वाई पहले से बनी हुई है इक्वेशन, हम इसमें भी पुट करके निकाल सकते थे, लेकिन हमें पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, ये पहले से रीअरेंज हुई हुई है। तो वाई अब उसके साथ 3/25, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू 3/25 हमने लिखी, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो वाई हमारे पास क्या बन गया, 4/25। अब ये हमारे पास वाई की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह डिफरेंट क्वेश्चन करने का मकसद ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर से डेवलप हो जाए। कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इन फॉर्म ऑफ डिवीजन अगर हमारे पास आ जाए तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह से आपने बना के उसको सॉल्व करना है, फिर एक्स और वाई की वैल्यू किस तरह निकालनी है अगर पूछी जाए, फिर उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट आपने किस तरह करना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हमने हर तरह की अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आपने अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें आसानी से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो आप सब जस्ट सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से अप्रिसिएशन होती है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी हेल्पफुल टॉपिक के साथ, और आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही, और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।